आज हमारे साथ इला अरुण बात करने वाली हैं. तो वो एक बहुत ही अच्छी फोक सिंगर है और मायामी के लिए पहली बार आ रही है. तो हम इला जी से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमसे बातें करें कुछ. हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जितने भी हमारे एशिया के लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे मैं नमस्ते कहती हूँ, आदाब कहती हूँ. और पहले ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोग अमेरिका आए तो आपने नक्शे में ये जगह ढूंढी कैसे? यानी इसका नाम मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना है. और आपने जब डिसाइड किया तो आप लोग यहाँ पहुँचे कैसे? यू हैव टू टेल मी दैट. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर, क्योंकि इतनी मीलों दूर चल कर के ऐसी जगह आना जहाँ हमसे पहले हमारे अपने अजीज़ अपने चाहने वाले लोग आ चुके हों, इट्स अ ग्रेट फीलिंग. And I wish all of you a very, very prosperous future. Ila ji, आप बताएंगी हमें कि आप folk dance और folklore में कैसे interested हुई और कब से गा रही हैं? राजस्थान रेगिस्तान है और वहाँ पे folk music जो है वो कोने कोने में मौजूद है. लोग हर जगह आपको गाते बजाते नज़र आएंगे. मुझे सिर्फ ये लगता है कि आई बीन ए गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हु कुड अप्रिशिएट गुड म्यूज़िक. आपने अपना कॉस्ट्यूम भी फोक पहना हुआ है, तो आप ज़रा हमें डिस्क्रिप्शन देंगी कि ये कहाँ पहनते हैं और क्यों पहनते हैं, किस कैसे ये ट्रेडिशन आई है हम राजस्थान में? ये राजस्थान में पहनते हैं. और ये तो मैं अभी गाना गाने वाली हूँ लम्हे फिल्म का, मोरनी बागा में बोले आधी रात माँ. And actually, I wore this costume in the film also. So I thought my audience would love to listen to me in the same costume. और ये बड़ा traditional, इसको चूड़ा कहते हैं, इसको पूंछी कहते हैं. I mean, these are the special names and I love to wear authentic things. आप अपने costumes खुद pick करती हैं या किसी से pick करवाती हैं? बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि I don't believe in others designing my clothes. I love to know the people, love to know the place, and then I pick up myself. अच्छा, तो आप ये सब राजस्थान जाके ले आई हैं? जी हाँ. आप अपने चाहने मेरी पैदाइश वहीं की है. मेरा जन्म जोधपुर में हुआ था, पली बड़ी हूँ, मेरा आना जाना बराबर है वहाँ. अच्छा, आप यहाँ मायामी में आपके चाहने वाले बात है और चोली के पीछे की बात, तो सब आपके आवाज़ के इतने दीवाने हो गए, तो आप उनको क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई चोली के पीछे एक बहुत अच्छा इत्तेफाक रहा जिसमें जिसने हमें और आपको मिला दिया, वरना आप मुझे कहाँ पूछते कि कौन इला अरुण है और कहाँ राजस्थान है और क्या गा रही है. और ये जो गाना सक्सेसफुल हुआ, जो कितना कॉन्ट्रोवर्शियल रहा, जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, उससे मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द सॉन्ग, क्योंकि बेसिकली रिदम इज़ वेरी गुड. और इसी बहाने हमारा आपसे मिलना तो हुआ. अब आप मेरे प्राइवेट कैसेट सुने, क्योंकि चोली के पीछे क्या है अगर वाकई में जानना है तो मेरी आवाज़ के अपने और गीतों को भी सुने जहाँ मैंने कुछ अलग हटकर भी गाया है. एंड आई एम श्योर इफ़ यू लव माई वॉइस यू लव दो सॉन्ग्स ऑल्सो. आप डांस बहुत अच्छा करती हैं, बहुत वर्सेटाइल हैं आप स्टेज पे, तो ये आप रिदम से निकाल लेती हैं या क्या आपने सीखा है? नहीं, फोक म्यूज़िक ना सीखा जाता है, यू हैव टू रिएक्ट टू फोक. मैं जो डांस है वो कैलकुलेट करके कर ही नहीं सकती हूँ. अगर कोई मुझे कहेगा 1 2 3 4 डू दिस एंड दैट, देन आई एम आर्टिफिशियल. आई ओनली रिएक्ट टू रिदम, एंड व्हेन आई रिएक्ट टू रिदम इट ऑटोमेटिकली हैपेंस. अच्छा, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और जो शो करने जा रही हैं आप उसमें हम आपको बहुत ही गुड लक देते हैं. वैसे आपकी आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप बहुत ही अच्छी फनकार हैं. देखिए, आर्टिस्ट को लक की हमेशा ज़रूरत होती है. तीसरी बेल जब बजती है ना तो आर्टिस्ट बच्चे की तरह से नर्वस होता है. आर्टिस्ट हर पल जिंदा होता है, हर पल मरता है. इफ़ माई ऑडियंस विल नॉट एक्सेप्ट मी टूडे, दैट इज़ अ डेथ फॉर मी. सो वो फेयर हमेशा है, इसलिए आपकी दुआएं और आप लोगों का एनकरेजमेंट मुझे हमेशा चाहिए. और वैसे ही मैं आप लोगों को जो अपने अपने मुल्क से इतनी दूर यहाँ बैठे हैं उनसे यही कहूँगी, जहाँ भी रहें बहुत प्यार से रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी मुश्किल से मिलती है. तो बड़े प्यार से आप लोग रहें और बहुत तरक्की करें. आप यहाँ काम करते हैं, शोहरत पाते हैं, पैसा कमाते हैं, हमें वहाँ बैठ के बहुत अच्छा लगता है. आई लव यू. शुक्रिया.